हम पहुंच गए मूसा गांव। इस साइड है भाई की हवेली, पहले हम चलेंगे हवेली की साइड में। सिद्धू मूसे हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइज यार, आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है मानसा टू मूसा विलेज। तो यार सिद्धू मूसे वाला भाई हमारा रिस्पेक्ट दिल में है हमेशा, यार रहेगी थी अभी भी है। यार आज से 4-5 महीने पहले मानसा सिटी का हमारी का टूर दिया था, तो उसके नीचे यार बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि यार आप मानसा टू मूसा विलेज की वीडियो बनाओ, एक टूर दो कि यहाँ पे सिद्धू मूसे वाला रहता था, वहाँ का पूरा आप दिखाओ। वहाँ पे अभी स्टैचू वगैरह भी लगा है उनकी समाधि पे। तो यार लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे यार कि भाई बनाओ बनाओ वीडियो बनाओ, ज़्यादातर यार पाकिस्तान वालों के, पाकिस्तान के तो सबसे ज़्यादा कमेंट तो वही करते हैं यार कि भाई दिखाओ अपनी मानसा सिटी और मतलब विलेज दिखाओ मूसा कि कैसा है। तो यार आज मैं आपको देने वाला हूँ टूर मानसा टू मूसा विलेज। बाकी यार मैं काफ़ी बार भाई से मिला था, बहुत अच्छा नेचर था भाई का। मेरी सबसे बढ़िया पिक थी एक यार उनके साथ, तो मैंने वो बड़ी भी करवा के लगाई है अपने रूम में, आपको दिखाता हूँ। ये फोटो यार जो मैंने बड़ी करवाई है, तो यार भाई को सलूट है मेरी ओर से, मतलब हमेशा के लिए प्यार रहेगा। तो यार मैं तो इनका बहुत कट्टड़ फ़ैन हूँ, जितना आप बोलोगे उतना कट्टड़। तो भाई के लिए दिल में रिस्पेक्ट थी, दिल में रिस्पेक्ट है और दिल में रिस्पेक्ट रहेगी, सलूट है भाई आपको। तो हमारी मानसा सिटी और मतलब मूसा विलेज, हमारा डिस्टेंस दिखाऊंगा मैं, पूरा टूर देने वाला हूँ आपको, तो बने रहना पूरी वीडियो में। जा रहे हैं मानसा सिटी से रमदित्ते वाला कैंचियां, रमदित्ते वाला कैंचियां से फिर हम तलवंडी साबो रोड को मुड़ेंगे, वहां पे है मूसा गांव। अते चाचा जी वाली जुड़ गई कपरू दे नाल संताली जुड़ गई, कट्टो कट सजा 5 साल बटते आओ कपरू ते केस जेड़ा सच्चे दसते, कपरू ते केस जेड़ा सच्चे दसते, जाटी उते केस जेड़ा सच्चे दसते। मानसा से गाँव है अराउंड 6-7 किलोमीटर, कार से तो 10 मिनट ही लगते हैं, बाइक से 15-20 मिनट लग जाते हैं। ये आ गई हमारी मानसा की अनाज मंडी, सब्जी मंडी में। तो ये है मानसा की रमदित्ते वाला कैंचियां, यहाँ से इस साइड को मुड़ जाता है मूसा गांव को, तलवंडी साबो को सीधा निकल जाता है सिरसा को। यार अभी हम पहुंच गए हैं मूसा गांव, इस साइड है भाई की हवेली, पहले हम चलेंगे हवेली की साइड में। तो यार देखो अभी भी बहुत ज्यादा भीड़ है, भाई को चाहने वाले आ रहे हैं यहाँ पे, और बाकी हवेली का गेट तो बंद है, अंदर नहीं जाने देते। तो यार ये है हवेली वाला रोड, और बिल्कुल सामने जाके सीधा मेन रोड हाईवे क्रॉस करके सामने जाता है स्टैचू, जो भाई का स्टैचू लगा हुआ है, हम अभी वहाँ पे चल रहे हैं। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैंने दूर से देखा था। तो ये वही है हवेली वाला रोड और सीधा है स्टैचू यहाँ पर लगा हुआ है, बिल्कुल पास नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस 4-5 मिनट का। तो यार देखो भाई की फोटो लगी हुई और वो रहा स्टैचू वहाँ पे लगा हुआ है भाई का, जहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ था उस जगह पे। और आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, फिर अभी भी लोग आ रहे हैं फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और इस साइड आ गई, अगर किसी ने टी शर्ट्स वगैरह खरीदनी हो तो यहीं पे भाई लोगों ने लगा रखा है, फ़ोटो लेनी हो अगर किसी ने सिद्धू मूसे वाले की फ्रेम में लगी हुई हैं, और टी शर्ट वगैरह लोगो वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पे। तो यार देखो इतनी जगह पे पूरे पेड़ पौधे लगा दिए फल फ्रूट्स वाले, अच्छी बात है यार, ये भाई के नाम का लगाओ यहाँ पे।
पेड़ पौधा भी। स्टैचू यार इतना ज़्यादा रियल बना हुआ है कि आपको मतलब लगेगा कि यार है सिद्धू ही है, पर उसमें एक जान नहीं डाली हुई बस, बाकी बिल्कुल लिट्टो यार सेम। आपको ऐसे लगेगा कि भाई के पास ही खड़े हैं। वीडियो में वो फील नहीं आएगी जो मतलब रियल में आती है स्टैचू को देख के, तो आप तो मतलब यही बोलोगे कि यार कि बाकी बंदा हमारे वही सामने खड़ा है यार। तो यार जब आप यहाँ पे विजिट करोगे तो आओगे तो आपको फिर वो फीलिंग पता चलेगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे यार स्टैचू को देख के। आपको लगेगा कि अब भी बोला स्टैचू, अब भी बोला, मतलब कि यार ऐसी फीलिंग आती है कि यार बिल्कुल अभी भी जिंदा है यार। तो यार मैंने आपको दिखाया मूसा विलेज, मानसा टू मूसा सिटी का टूर दिया। भगवान सिद्धू भाई की आत्मा को शांति दे एंड उनके घर वालों को हिम्मत दे। बाकी और तो यार कुछ नो वर्ड्स बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है यार। आर आई पी सिद्धू मूसे वाला भाई।